हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है अरिफुल इस्लाम जी की वीडियो रिकमेंडेशन, विंटेज गेम 1948 के। ट्रैप में क्या फंसना होता है यहाँ गेम को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ हंगेरियन चेस मास्टर गिडोन ब्राग्जा का मुकाबला था रोमेनियन चेस मास्टर ओक्टावियो ट्रोयानेस्कू, काफ़ी मुश्किल नाम था, नाइट F3 के साथ। यहाँ ब्राग्जा ने शुरू किया, ओक्टावियो ने यहाँ D5 खेला, G3, नाइट F6, बिशप G2, देन हुआ E6, कैसल बाय वाइट, देन C5, D4, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन D takes C5, बिशप टेक्स C5, देन C4, और अब यहाँ ओक्टावियो ने कैसल किया नाइट C3, देन हुआ D takes C4। पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ वाइट की क्वीन A4 स्क्वायर पर गई और पॉन पर अटैक बनाया, तो क्वीन E7 यहाँ, ताकि बिशप पर नो प्रॉब्लम डेवलपमेंट चल रही है। क्वीन टेक्स C4, देन A6, नाइट E5, और फ्रेंड्स नाइट E5 काफी क्रूशल मूव है यहाँ पर। वेल B5 क्वीन पर अटैक करना, क्वीन पहुंच गई H4 स्क्वायर पर, और यहाँ मैं कह सकता हूँ ज़्यादा भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओक्टाविया ने अपने बिशप को B7 स्क्वायर पर प्लेस किया और बिशप एक्सचेंज की कोशिश की, नहीं किए नाइट G4। नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स प्रेशर तो बनना शुरू हुआ है यहाँ इस F6 स्क्वायर पर, तो बिशप टेक्स G2 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया, और फ्रेंड्स ये मूव मेरे हिसाब से रिस्की है इवन चेसिंजन के हिसाब से भी। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, यहाँ अभी मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट नहीं किया ब्राग्जा ने, उन्हें कुछ और अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इस F6 स्क्वायर पर। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिशप टेक्स F1 को ऑप्ट किया जाएगा, देन नाइट टेक्स F6 चेक होगा। ऑब्वियस है G टेक्स F6 का मतलब गेम चेकमेट तक पहुंचेगी। किस तरह से? बिशप टेक्स F6, क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन कहीं भी हटेगी, उसके बाद कुछ इस तरह की चेकमेटिंग थ्रेट्स होंगी। खैर, चलते हैं यहाँ पर दूसरी ऑप्शन पर। यहाँ दूसरी ऑप्शन ब्लैक के लिए है अपने नाइट, दूसरे नाइट को D7 स्क्वायर पर ले जाकर इस F6 स्क्वायर का डिफेंस करने का, और उसके बाद यहाँ बिशप एक्सचेंज को वाइट कंप्लीट कर सकता है किंग टेक्स G2। खैर, दोनों ही ऑप्शन का ऑप्ट करते हुए रिस्की ऑप्शन को यहाँ पर ओक्टावियो ने चुना। उन्होंने अपने बिशप को D4 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट का डिफेंस किया। रिस्की मूव है। रिस्की क्यों है? पहले तो रुक आया इसी बिशप के अटैक पर, तो अगर इस पॉइंट पर बिशप टेक C3 मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, वैसी सिचुएशन आ जाती है जो भी थोड़ी देर पहले थी। तो ब्लैक ने यहाँ डिसाइड किया कि वो अपने बिशप पर डिफेंस करेगा अपनी क्वीन से, उसको B7 स्क्वायर पर ले जाकर। नाइट टेक्स F6 चेक, बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर नो इश्यूज विद G टेक्स F6। वाइट ने अपने रुक को लिया D4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में यहाँ सीधा चेक्स प्रेशर है। इसका एक ही डिफेंस नेचुरल है, एफ पॉन को आगे पुश करना, रुक की एंट्री ना होने दो। उसके बाद क्या होगा? क्वीन से चेक आएगी, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन F6 चेक कर देते हैं, किंग G8 स्क्वायर पर, फिर रुक H4 स्क्वायर पर जा सकता है। लेकिन अब यहाँ इस पॉइंट पर नाइट D6 दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन व्हाइट यहाँ एक चेक देगा क्वीन को G5 स्क्वायर पर ले जाकर, किंग H8, देन क्वीन H6 का क्या डिफेंस हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई है। लेकिन यहाँ एफ पॉन को आगे पन्ना पुश करके ब्लैक ने अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर ले जाकर इस F6 पॉन पर डिफेंस किया है। रुक G4 विद चेक, किंग आया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D1, और यहाँ इरादा क्या है वाइट का? सीधा उसी नाइट पर अटैक करने का जिसने यहाँ इस F6 पॉन का डिफेंस किया हुआ है। तो यहाँ पर इलाज क्या है? जेसेंजन रिकमेंडेशन इज बिशप H3। ऐसा यहाँ मैं क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि क्वीन टेक्स H3 करना ही पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ ब्लैक के पास टाइम होगा अपने रुक को G8 स्क्वायर पर लाने का। लेकिन यहाँ पर अगर एग्जैक्टली अभी ब्लैक रुक को G8 स्क्वायर पर लेकर आएगा, तो वाइट यहाँ पहले नाइट एलिमिनेट करेगा, चूंकि क्वीन पर अटैक होगा, तो पहले क्वीन टेक्स रुक करना ही होगा, और उसके बाद ये सीधा चेकमेट की थ्रेट है यहाँ पर ब्लैक के सामने। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि इस फायरिंग लाइन, रुक की फायरिंग लाइन को ही बंद कर दिया जाए बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाकर। लेकिन यहाँ ऐसा होने के बाद सबसे पहला खतरा तो यही है कि नाइट से इस बिशप को लिया जाए। नाइट से अगर बिशप लिया गया तो ऑल इज वेल, आई थिंक E takes D5, और फिर क्या होगा? रुक को D4 स्क्वायर, बैटरी लग जाएगी रुक्स की। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट E4। फ्रेंड्स एक और आउटस्टैंडिंग मूव है यहाँ इस पॉइंट पर, बिशप टेक्स E4 का मतलब यही है Rook takes D7। रुक टेक्स D7 होने के बाद क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन से अगर ये रुक लिया गया तो उसके बाद चेकमेट होगी, तो बिशप G6 करना ही होगा, देन होगा उसके बाद रुक टेक्स क्वीन। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक G8, रुक एक्सचेंज की कोशिश की गई।
लेकिन नाइट टेक्स एफ सिक्स, और नाइट टेक्स एफ सिक्स होने के बाद फ्रेंड्स अगर नाइट से नाइट एलिमिनेट किया गया तो वही चेक मेटिंग थ्रेट्स है, अगर नाइट को प्रोटेक्ट करके रखा गया तो डायरेक्टली एच सेवन स्क्वायर पर चेकमेट की थ्रेट है। तो बिशप ई फोर इज द ओनली ऑप्शन, यहाँ इस एच सेवन पोन का डिफेंस सिर्फ ऐसे ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद नाइट टेक्स जी एट होगा। और फिर इससे पहले यहाँ रुक एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाए, ब्लैक को यहाँ अपने बिशप को जी सिक्स स्क्वायर पर लेकर आना ही होगा। लेकिन यहाँ खेला गया रुक जी सेवन, इस एच सेवन पॉन का डिफेंस किया गया, और ऐसा करने के बाद यहाँ फाइनल मूव बागजा को लगाने का मौका मिला क्वीन एच सिक्स का। और यहाँ इस मूव के बाद ओक्टावियो को रिजाइन करना पड़े। रेजिग्नेशन का रीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड, चेकमेटिंग थ्रेट है, और इस चेकमेटिंग थ्रेट का कोई डिफेंस है नहीं है, रुक को सेवंथ रैंक से नहीं हटाया जा सकता, अदरवाइज वैसे ही यहाँ चेकमेट हो जाती है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी गेम आरिफुल इस्लाम जी ने हम सभी लोगों को बताई, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।